बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज 13 मई सोमवार के रोज़ प्री मानसून और मगरबी हवाओं के मिलाप से सुबह सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के इम्कान हैं। वो कौन कौन से इलाके हैं जहां बारिशों के इम्कान मौजूद हैं और कितनी बारिशें रिकॉर्ड होने की तवक्को है? मज़ीद आज के दौरान सुबह सिंध के बड़े शहर कराची और हैदराबाद का मौसम कैसा रहेगा? सिंध भर के मौसम की ताज़ा तरीन अहम रिपोर्ट पेश खिदमत है। लेकिन नाज़रीन, तातरीन तफसीलात में जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि सुबह सिंध के मौसम के हवाले से लम्हा बा खबर रहने के लिए हमारे चैनल वेदर इन्फो को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, महकमा मौसमियात और तमाम मौसमियाती मॉडल्स की ताज़ा तरीन रिपोर्ट और हमारी पेशगोई के ऐन मुताबिक इस वक्त सुबह सिंध के तकरीबन तमाम इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म है। बाज़ इलाकों में हल्की हवाएं चल रही हैं, दर्जा हरारत भी मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहे हैं। आज से प्री मानसून और मगरबी हवाओं के मिलाप से सुबह सिंध के चंद जनों मशरकी इलाकों में बारिशों के इम्कान मौजूद हैं, जिनमें ख़ास तौर पर थरपारकर, नगर पारकर, इस्लाम कोट, मिट्टी, डेपलो, उमरकोट समेत थरपारकर के अक्सर बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की से दरमियानी और कहीं कहीं चंद एक मकाम पर तेज़ रफ्तार आंधी के साथ तेज़ से मौसलाधार बारिशों की तवक्को है। मज़ीद आज के दौरान सिंध के काफ़ी ज़्यादा इलाकों में बादल भी बनने की तवक्को है। मज़ीद बात करें अगर सुबह सिंध के बड़े शहर कराची और हैदराबाद के मौसम की, तो नाज़रीन आज के दौरान कराची और हैदराबाद के भी चंद मुख्तलिफ इलाकों में लोकल डेवलपमेंट मुतवक्के हैं, लेकिन फ़िलहाल बारिश के कोई ख़ास इम्कान नहीं हैं। अलबत्ता हवाएँ बहाल हो जाएंगी और मौसम शाम तक कदरे बेहतर महसूस हो सकता है। याद रहे नाज़रीन कि आज से लेकर आने वाले चंद रोज़ तक लोकल एक्टिविटी बादल सुबह सिंध के मुख्तलिफ इलाकों का रुख कर सकते हैं। मज़ीद अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा बारिशों के हवाले से, मौसम के हवाले से। जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल वेदर इन्फो। और याद रहे नाज़रीन के हम सिर्फ तमाम पैरामीटर्स को देख कर बारिशों के इम्कान बताते हैं, बाकी बारिश का होना या ना होना वो अल्लाह पाक के हुक्म पर मौकूफ़ है।